वेलकम टू फूड पैलेस। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जो है आलू दम की रेसिपी। बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बॉयल्ड पोटैटोज लिए हैं, चॉप टोमेटोज, रफली चॉप अनियन, कोरिएंडर, गार्लिक पेस्ट, यहाँ पे मैंने कुछ काली मिर्च ली हैं और ज़ीरा लिया है। सूखे मसाले में हल्दी पाउडर लिया है, गरम मसाला पाउडर लिया है, सॉल्ट लिया है, रेड चिली पाउडर एंड धनिया पाउडर। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, उसमें हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे हम रफली चॉप अनियन। इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल रेड करना है इसे हम। A few minutes later. ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिया। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। हम लेंगे यहाँ पे एक ग्राइंडर, उसके अंदर हम सारी अनियन ऐड कर देंगे और उसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे ब्लैक पेपर और क्यूमिन सीड। ये पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हम वही पैन दोबारा से चढ़ा देंगे जिसमें हमने अनियन फ्राई की थी और वही ऑयल हम रखेंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और उसी के साथ हम यहाँ पे गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। थोड़ी देर हम इसी तरह गार्लिक के साथ इसको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हम सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। गरम मसाला पाउडर हमने इसमें अभी यूज नहीं करा, वो सबसे लास्ट प्रोसेस में हम डालेंगे। थोड़ी देर हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे और देन हम इसके अंदर टमाटोज ऐड कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटो ऐड कर देंगे। टमाटो ऐड करने के साथ साथ हम इसी के अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो टमाटोज हैं वो अच्छे से गल जाएं। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके टमाटर को अच्छे से भुनना है। टमाटोज अच्छे से डिजोल्व हो चुके हैं। अब हमने जो मसाला पीस के रखा था हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इस टाइम हम फ्लेम बिल्कुल हाई कर देंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। ये ग्रेवी अच्छे से हो चुकी है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपने पोटैटोस। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। हमने गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे यहाँ पे हम वाटर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ पे लेमन जूस थोड़ा सा ऐड करेंगे खट्टापन के लिए। ये टोटली ऑप्शनल है। अब इसमें बॉयल हमें लाना है। जैसे ही बॉयल आ जाएगा हम चॉप्ड कोरिएंडर एंड ग्रीन चिली इसमें ऐड कर देंगे।
फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे। तो ये देखें यहाँ पे बॉइल्ड आ गया है। अब हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली, बीच से कट कर रखी है मैंने ग्रीन चिली को, एंड चॉप्ड कॉरी। अरे कहना क्या चाहते हो, एक बारी कर देंगे हम मिक्स्ड। और इसी तरह हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही इसको तकरीबन एक मिनट के लिए कुक करेंगे। तो 3 मिनट से ज़्यादा मैंने इसको ऐसे ही हाई फ्लेम पर रखा था, फिर 2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया। तो अब ये कंप्लीट हो गया है, अब हम इसको करेंगे बंद और सर्व करके आपको शो करते हैं। ये देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है, बहुत ही जबरदस्त बनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआ में मुझे याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सुपर हिट, सुपर हिट। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।